हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन में चेंजेज हुआ है। कैसे आपको एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन करना है मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाके लिखना है एयर सुविधा रजिस्ट्रेशन, एयर सुविधा फॉर्म सजेस्ट करो गूगल, यहाँ पे क्लिक कर देना है। पहला वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इस तरह से पेज खुल के आएगा। इंडिया जाने से 72 घंटा पहले आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा तो एयरपोर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। अब देखिए इसको फिलअप कैसे करना है, पहले से बहुत इजी हो गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एज पर योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही सारा डिटेल फिलअप करना है, ये बात याद रखिएगा। फुल नेम में आपका नाम दिखना है, जैसे मेरा नाम है शाहनवर अंसारी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया शाहनवर अंसारी। ये कैपिटल में, स्मॉल में, किसी में भी लिख सकते हैं। फ्लाइट नंबर अराइविंग इंडिया, जो फ्लाइट से आप इंडिया पहुंच रहे हैं उसका नंबर देना है। जैसे मैं एयर इंडिया से पहुंच रहा हूं, एयर इंडिया 315, तो यहाँ पे वो डाल देना है। बहुत लोगों का कनेक्टिंग फ्लाइट रहता है, एग्जांपल पे सऊदी दमाम से दुबई होकर के इंडिया जाते हैं, तो दुबई से फ्लाइट नंबर उनका चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे फ्लाइट नंबर दुबई वाला डालिएगा, ना कि दमाम वाला। इसके बाद नेशनलिटी पूछा जा रहा है, आप जो भी नेशनलिटी से हैं, तो मैं इंडियन हूँ तो इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। पासपोर्ट में जो है वो डालिएगा, पासपोर्ट नंबर। मेरा पासपोर्ट नंबर मैं यहाँ पे डाल दूँगा, R4682। उसके बाद डेट ऑफ अराइवल, किस डेट में इंडिया में पहुँच रहा हूँ वो मुझे सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल पे मैं 28 तारीख को पहुँच रहा हूँ, तो 28 तारीख। कंट्री ऑफ डिपार्चर ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन से कंट्री से आप जा रहे हैं, मैं सऊदी से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर लेना है। डिपार्चर कंट्री में वो कंट्री आपको देना है जहाँ से आप एक्चुअल में जा रहे हो, वाया होके कोई भी कंट्री से जा रहे मतलब नहीं है, जो एक्चुअल आपका डिपार्चर कंट्री वो डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड, क्या फुल्ली वैक्सीनेटेड है। इंडिया के लिए 2 डोज आपने लिया है, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। अगर है तो येस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप येस करोगे, यहाँ पे पूछेगा आपको कि आपने कहाँ पे लिया है फाइनल डोज का वैक्सीनेशन, यहाँ पे आपको वो देश सेलेक्ट कर लेना है। अगर मैं सऊदी पे लिया हूँ तो यहाँ पे सऊदी अरबिया सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मैंने नहीं लिया है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लूँगा। अगर देखिए जो भी वैक्सीनेटेड नहीं है उनको पीसीआर टेस्ट चाहिए, पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट, तो यहाँ पे पीसीआर टेस्ट आपने कब कराया है उसका डेट डाल देना है। तो ये भी बहुत ईजी हो गया, अभी आपको अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट आई हैव टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड-19 एंड विल प्रोड्यूस द नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट। यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा है कि मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मेरा जो पीसीआर रिपोर्ट है वो मैंने 72 घंटे के अंदर ही कराया हुआ है, क्योंकि पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आपको 72 घंटे के अंदर ही करा के जाना है एयरपोर्ट में, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे देखिए पूछा जा रहा है फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, इंडिया में आप कौन सा एयरपोर्ट पहुंच रहे हो। अगर मान लीजिए आप दिल्ली पहुंच रहे हो तो ये दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन आपसे पूछा जा रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस कहाँ पे आपको जाना है। मैं जमशेदपुर जाऊँगा, जमशेदपुर जमशेदपुर झारखंड जा रहा हूँ, तो पूरा एड्रेस मुझे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट, स्टेट मेरा कौन सा है, मेरा झारखंड है, तो मैं झारखंड सेलेक्ट कर लूँगा। फाइनल डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट, जिला कौन सा है मेरा, ईस्ट सिंहभूम पड़ता है, तो ईस्ट सिंहभूम। फाइनल डेस्टिनेशन पिन कोड, पिन कोड मेरा कितना है, तो जितना भी पिन कोड है उस हिसाब से आपको वो पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर इंडिया का आपका जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ पर डालना है। मेल आईडी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल आईडी आपको देना है, क्योंकि वही मेल आईडी पे एयर सुविधा का फॉर्म जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा रहा है कि सेम फ्लाइट में आपके साथ में और भी कोई है क्या, अगर किसी का फैमिली मेम्बर भी है तो यहाँ पे फॉर्म को प्लस करके बढ़ा सकते हो, लेकिन उनका फिर से डिटेल भरना पड़ेगा। अगर आप अकेले हो तो बस एक ही फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद ये सब एग्री कर लीजिएगा, एग्री एग्री सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे हाथ जोड़ के एक पॉपअप आएगा कि एयर सुविधा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद आपका मेल पे तुरंत आ जाएगा एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, उसको प्रिंट आउट कर लेना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।